तार्किक नहीं है। देखिए मैं तो सीधे तौर पर कहता हूं, कागज ईडी तो आप कागज बना लेती है, वो दिन भी दूर नहीं कि ईडी खुद ही पैसा लेके जाए और किसी के घर में रख दे और बाद में फिर छापा पड़े। ईडी ने अपनी साख खो दी, इसलिए मैं कहता हूं ये ईडी नहीं है, आईटी नहीं है, सीबीआई नहीं है। चारों ओर जो हो रहा है विपक्ष के दलों नेताओं पर, ये तो साफ तौर पर सत्ता शीर्ष के जो सबसे ऊपर दो लोग बैठे हुए हैं हायरार्की में, नंबर वन नंबर टू, उन्हीं के इशारे पे हो रहा। मुझे डर सिर्फ इस बात का है कि कल को जब सत्ता परिवर्तन होगा, इन संस्थाओं का कहीं आने वाले लोग इसी प्रकार उपयोग न करें, तब भी हमें अच्छा नहीं लगेगा। केटीआर जो केसीआर के बेटे हैं, उन्होंने भाजपा को हराया, वोटरों से जनता से उसने अपील की कि आप दोनों तरफ से पैसा लीजिए और वोट जो है बीआरएस को करिए। इस पर क्या टिप्पणी करूं, पर थोड़े परेशान हैं वो, पूरी पार्टी थोड़ी परेशान है, क्योंकि बहुत तेजी से सुना है जो हमने कि कांग्रेस वहां ग्रो की है जनवरी के बाद से इसी वर्ष, तो जाहिर है कि इस तरह के बयान तो अभी आते रहेंगे। हाँ, कर्नाटका सरकार और अडानी में फर्क होता है, ये बात वो भी जानते हैं।